Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last video में हमने आपको exercise 6.2 बताई थी. आज चलते हैं next exercise 6.3 की ओर, in which also we have to solve the following system of the inequalities graphically. उसमें भी हमें जो दी हुई inequality थी उसका हमें क्या करना था, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना था इनइक्वालिटी को. टू डायमेंशनल प्लेन में उसको हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था. अब हमें जो दिया हुआ इनइक्वालिटीज हैं इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है. देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इन्हें सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं. जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस पाई इक्वल टू 0, कहीं भी पाई इक्वल टू 0 दिखता है समझ लो वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. y equal to 0 जो होती है that is the equation of x axis and equation of y axis x equal to 0, क्योंकि y पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है. कहीं भी आप देखेंगे 0.1 0.2 0.3 यानी x ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 0 रहती है. यानी f से हमेशा 0 होता है y axis पर, और x axis पर हमारा 1.0 2.0 ऑर्डिनेट पार्ट है, यानी y कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा 0 होता है. इसलिए इसकी जो इक्वेशन होता है x एक्सिस होती है वो y equal to 0 होती है, और x इक्वेशन ऑफ x इन y एक्सिस होती है वो x equal to 0 होती है. आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल टू y equal to प्लस माइनस b, यानी b कोई भी हमारा रियल वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है. और यहां पर जो y की वैल्यू जो इस तरह की कहीं भी आपको कांसेप्ट दिखाई देगा y equal to 3 y equal to 4 y equal to 5 y equal to -5, इस तरह से जो सभी लाइनें क्या होती हैं हमारी पैरेलल लाइन होती है किसके, x एक्सिस के. जैसे अभी हम मान लीजिए y equal to 3 है तो y equal to 3 लाइन या 3 से ऊपर की जाएगी व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है. अगर y equal to 4 है तो 4 से ऊपर की चली जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी. इसी तरह से यहां पर y equal to x equal to a, x equal to something, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 5, x equal to -4, कोई भी लाइन हो दैट इज द पैरेलल टू, जैसे x equal to 2 है तो 2 से ऊपर की लाइन जाएगी व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस होगी. अब इसके लिए आप देखें हमें आप दो इनइक्वालिटी दी हुई है, x greater than equal to 3 और x y greater than equal to 2. तो पहले आप इनके लिए इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि एक लाइन हम जब पीछे एक्सरसाइज 6.2 में हमने किया था उसमें क्या होता है जो इनइक्वालिटी दी होती है उसको हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इक्वेशन का फिर हम एक ग्राफ लिखते हैं, लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं. सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा, जिसमें हमारा वो कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट और उसको वेरीफाई करता है तो वो कोऑर्डिनेट का रीजन ही उसका सॉल्यूशन रीजन हो जाता है. मोस्टली हम क्या लेते हैं ओरिजिन को लेकर के हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि किस में हमारा सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो कौन से प्लेन में उसका पड़ता है, फर्स्ट प्लेन में या सेकेंड हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में या हाफ अपर हाफ प्लेन में या राइट लेफ्ट राइट जिसमें भी पड़ता है उसको उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन रीजन बता देते हैं. अभी हमें दिया हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर अगर इक्वेशन फॉर्म में इसको लेते हैं तो मिलेगा लेट x इक्वल टू 3 एंड दूसरा क्या मिलेगा y इक्वल टू, राइट. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द x इक्वल टू प्लस माइनस है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और कहां होगी x इक्वल टू 3 पर होगी. तो x इक्वल टू 3 पर हम इसका एक एक लाइन खींच देंगे, दिस इज द x इक्वल टू 3 पर this is a line which represent आपका x equal to 3, right. अब इसकी बात आती है, अगर इसकी बात करते हैं inequality की बात, in which saying that x की value is greater than or equal to 3, x की जो value होगी 3 या 3 से बड़ी होगी, because equal sign है, तो ये line भी उसका एक solution का part होगी, ठीक है ना. अभी हम उसको dotted नहीं करेंगे, dark line खींचेंगे, line भी इसका solution का part होगी, और value है वो 3 या 3 से ज्यादा होगी. इस तरीके से हमारी जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन रीजन होगा इस लाइन का, यानी इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का, वो हमारा क्या होगा, दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए. अब बात आती है दूसरी लाइन के लिए, y इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 के लिए हम एक लाइन खींचते हैं, y इक्वल टू 2 वहां पर होगा, दिस इज द पैरेलल लाइंस ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे 2 से होकर के, दिस इज ए लाइन विच रिप्रेजेंट y इक्वल टू 2. अब इसमें भी क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से अधिक होगा,
तो इसका भी सोल्यूशन रीजन क्या होगा, इधर इस साइड में नहीं आएगा, टू से अधिक हो यानी उधर उस साइड में जाएगा, अपर पार्ट में जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी सोल्यूशन रीजन होगा वो ये हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। तो हमारा ये सॉल्यूशन रीजन आएगा, दिस इज अवर सॉल्यूशन रीजन फॉर द, ये जो रीजन आ रहा है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज। इस रीजन में हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन ऑफ फॉर द गिवन इनइक्वालिटी के लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। अगर हम चाहें ऐसे ना करें तो हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा x इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 0 बाई इक्वल टू 4। अब इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन रखें, कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा x इक्वल टू 3 आएगा। मान लीजिए आपने y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 3 यानी 3,1 कोऑर्डिनेट होगा, तो 3,1 यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे ये लाइन हमारी पूरी रिप्रेजेंट हो जाएगी। ऐसे दूसरे में अगर हम रखते हैं तो इसको भी हम 0x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से भी डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करके ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं या सीधे सीधे ये समझ सकते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से हमारे समझने के लिए हमें इजी हो जाता है और आसानी से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वी हैव टू सॉल्व 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दीज थ्री इनइक्वालिटीज वी हैव टू सॉल्व बाई ग्राफिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द इक्वेशन, आप देखेंगे यहाँ लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, राइट। हमारा कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ लीनियर ग्राफ फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और लीनियर ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए। हमारा ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 माइनस 3x अपॉन 2, राइट। उसे डिवाइड हो जाएगा 6 माइनस 3 2 हो गया। अब हमें पहले लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 दैट इज 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें रखना क्या है, अगर x इक्वल टू 4 रख दें तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 4 कोई वैल्यू रख दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रख सकते हो तो 3 आ जाएगा, इसकी बात नहीं कर दें 3 आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट में 0 x इक्वल टू 4 रखने पर 0 कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर मिल जाएगा, इजीली रिप्रेजेंट करने में इजी रहेगा। पुट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू हम 6 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, उसे 4 टू टाइम कट गया दैट इज y इक्वल टू हमारा कितना 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट जो हो गए, दो कोऑर्डिनेट हो गए x कॉमा 0,6 और ये 0,6 और ये 4,0, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए अगर आप लेते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, ठीक है, सेम वही कंडीशन है। पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लें, x इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट 0,6 है, 0 पर हमारा कितना आया था x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा पहला 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 4,0, 4,0 हमारा ये हो गया, ठीक है 4,0, और इसकी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। इसमें क्या है, इसमें भी इक्वल साइन लगा हुआ है, तो ये लाइन डार्क लाइन भी इसका सॉल्यूशन का पार्ट होगी, बट अब हमें ये नहीं पता किसका लोअर हाफ में होगा या अपर हाफ में होगा। ठीक है, ये देखना है हमारा अपर हाफ में होगा इसका सॉल्यूशन या लोअर हाफ में होगा। तो आप देखेंगे पहले हम इसमें पुट करके देखते हैं इनइक्वालिटी में, कि इनइक्वालिटी में इसमें पुट पहले कोऑर्डिनेट 0,0 कोऑर्डिनेट से, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0, पुट x = 0 एंड y = 0 देन
गिवन, या सीधे लिख दीजिए टेन थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू जीरो प्लस टू इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू 12। ऑब्वियसली आप देखेंगे क्या होगा, ये जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज जीरो लेस देन इक्वल टू 12 होगा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट है, इट मीन्स ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन हमारा क्या है, दिस पॉइंट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन। अब सॉल्यूशन रीजन में लाई करता है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किधर होगा, इस वाले यहाँ पे लगे जिधर हमारा ओरिजिन पड़ता है, इधर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन रीजन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा वाला x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए हमने बताया था क्या होता है, x इक्वल टू 1 दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, यानी यहां पर इसका सॉल्यूशन ये लाइन आएगी इसकी, जो 1 से ऊपर जाएगी, दिस इज द लाइन व्हिच रिप्रेजेंट x इक्वल टू 1, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 और 1 से ज्यादा हो सकती है, तो 1 भी इसमें शामिल होगा, दैट इज इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ग्रेटर देन 1 हमारा इधर को ही होगा, 1 और 1 से इधर का ये सॉल्यूशन रीजन पड़ जाएगा इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दूसरा है हमारा y लेस देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 इज द पैरेलल टू द x एक्सिस फ्रॉम 2, दिस इज द लाइन रिप्रेजेंट y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से अधिक, तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो इधर होगा, तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा तीनों का लाइन का वो ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन हुआ जो हमारा ये इन लाइनों का सॉल्यूशन रीजन हो गया, मान लीजिए पी क्यू आर फ्रॉम द ग्राफ द सॉल्यूशन ग्राफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, सो इज द सॉल्यूशन रीजन रीजन ऑफ द inequalities, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ PQR में आप देख रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन inequality। After that, your question number 3, in which we have given 2x plus y greater than equal to 6 and 3x plus 4y less than equal to 12. पहले 2x plus y greater than equal to 6 है, इसके लिए पहले हम लीनियर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसे इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं, पहले let 2x plus y equal to 6, क्या हो जाएगा ये y equal to 6 minus 2x, इसे पहले पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0, 0 करने पर क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 क्या आएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इनटू 0 दैट इज 6, सो फॉर कोऑर्डिनेट विल बी होगा 0 कॉमा 6, राइट। दूसरा पुट करते हैं इसमें, पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा
6 माइनस 2 इंटू 3 यानी 2 3 या 6, 6 माइनस 6 का कितना हो जाए 0। सो हमारा कोऑर्डिनेट विल बी 3, 0। इसके बाद अब इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं 0,6 और 3,0। 0,6 हमारा एक पॉइंट आ गया, 3,0। ये आपका ए और ये बी, ए बी को ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं। कोऑर्डिनेट हुए आपके बी के कोऑर्डिनेट 3,0, इधर आपका ए के कोऑर्डिनेट 2,3। दिस इज द लाइन फॉर द 2x + y = 6। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ, इसका मतलब ये लाइन भी इसका सॉल्यूशन का पार्ट होगी। अब हमें पता करना है इसका लोअर हाफ में होगा या अपर हाफ में होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन से लेते हैं, फ्रॉम 0,0 पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 एंड इनइक्वालिटी क्या है 2x + y > 6। इस रख देते 0,0 तो हमें क्या मिलेगा 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इम्प्लाई दैट ये 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, 0 > 6 ऐसा पॉसिबल नहीं है, 0 कभी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, सो इट इज योर फॉल्स। इट मींस द ओरिजिन डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, यानी ये जो हमारा ओरिजिन है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आता, तो फिर किधर आएगा, अपोजिट साइड में इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये रीजन होगा। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब लेते हैं हम दूसरे वाला इक्वेशन हमारा, ये 3x + y, ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। इसके बाद देखिए लेट थ्री एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इसमें देखिएगा इक्वल टू 12 हमारा 4y इक्वल टू होगा 12 - 3x, राइट। आप इसको डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू होगा 3 - 3x / 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो बार बार पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3 - 3 × 0/4, दैट इज 3। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा 0,3, दिस इज वन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब दूसरा लेने के लिए हम आगे फिर इसके वैल्यू पुट करते हैं, इसको ये वैल्यू पुट कर दीजिए, मान लीजिए x = 4 रख देते हैं तो y = 0 आ जाएगा। ठीक है, x = 4 रख दीजिए, x = 4, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 - 3 × 4/4, 4 से 4 कट गया, दैट्स व्हाई 3 - 3 = 0 हो गया। सो अवर कोऑर्डिनेट हमारा होगा 4,0, राइट। अब इसके बाद देखिए इसका हम तो ग्राफ खींचते हैं, पहला हमारा कोऑर्डिनेट है 0,3 ये हो गया, सपोज मान लीजिए ये आपका सी पॉइंट है, दिस इज पॉइंट सी। अब दूसरा पॉइंट आया हमारा 4,0,
4.0 ये अपडेट आ गया। इसलिए था 4.0 ये मान लीजिए क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम सीओडी को मिलाती लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज ए लाइन विच रिप्रेजेंट आपका 3x + 4y = 12, ठीक है। सी डी लाइन हमारे क्या करती है, इसका इक्वेशन, ये लाइन सी डी रिप्रेजेंट था गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी, इक्वालिटी रिप्रेजेंट का इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अब ये पता करना है जीरो इसके उसमें सॉल्यूशन रीजन में आता है या नहीं आता। तो सॉल्यूशन रीजन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम जीरो को मैं जीरो पुट x = 0 एंड y = 0 एंड इसे पुट करेंगे 3x + 4y < 12, इसे निपरेटिंग पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमें 3 × 0 + 4 × 0 < 12। ऑब्वियसली ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या हुआ 0 < 12, इससे कम है, दिस इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है दिस इज लाई इन द, इट मीन्स ओरिजिन लाई इन द सॉल्यूशन रीजन, यानी इसके जो ओरिजिन है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में आता है। सो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ओरिजिन साइड में आपका, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन रीजन, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन दोनों के लिए हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा देख रहे हैं, इधर वाला ही सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। आप डार्क पार्ट इसको कर सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। DAX Tutorials presents online interactive live classes, mobile number 8279452537. That is your question number 4, in which we have given x + y > 4, 2x - y > 0. See, उसी तरीके से इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे, लीनियर ग्राफ फाइंड करते हैं इसका। लेट x + y = 4, वाई बटू हमारा कितना हो जाएगा 4 - x, राइट। पुट x = 0, तो वाई बटू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, बट कोऑर्डिनेट विल बी 0, 4। पुट x = 4, देन वाई बटू कितना हो जाएगा 0, कोऑर्डिनेट विल बी 4, 0, ओके। अब इसके बाद फ्रॉम द कोऑर्डिनेट, सॉरी फ्रॉम द ऑरिजिन 0, 0, x = एनी पुट 0 एंड y = 0, इनइक्वालिटी, उस इक्वालिटी में रखना x + y > 4। अब यहाँ रखेंगे 0, 0 + 0 > 4, इट इज फॉल्स, और 0 > 4 नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो गया, इट मीन्स ओरिजिन डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सॉल्यूशन, इसके लिए पहले ग्राफ खींचेंगे। पहला हमारा 0, 4, 0, 4 हमारा ये हो गया कोऑर्डिनेट, मान लीजिए पॉइंट ये है 0, 4, दूसरा कोऑर्डिनेट 4, 0, मान लीजिए पॉइंट बी है आपका 4, 0, ये इसका हम ग्राफ खींचते हैं। आप ग्राफ पर खींचेंगे तो प्रॉपर स्केल से खींचेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हम कोशिश करते हैं सीधा लिख देने। दिस इज द लाइन फॉर x + y =
अब इसका सॉल्यूशन रीजन आप देख रहे हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है इसमें, ओरिजिन डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन इसका क्या होगा, हमारा सेकंड हाफ में हो जाएगा इसका, यानी अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब दूसरी इक्वालिटी के लिए देते हैं, लेट 2x माइनस y इक्वल टू जीरो, देन वी गेट y इक्वल टू 2x। इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। पुट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो हो गया, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू क्वाड्रेट हमारा होगा 0,0। इट मीन्स दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इनटू 1, दैट इज 2, सो आवर कोऑर्डिनेट होगा 1,2, राइट। और देखिए पहला कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0,0, ये ओरिजिन वो 0,0 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट 1,2 यहाँ आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब इसमें इसकी लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन वो ये हो जाएगी, राइट। इस तरीके से कुछ हो गया, दिस इज द 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें ग्रेटर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का नहीं है, इसलिए इसका ये जो लाइन होगी दिस इज नॉट इन द सॉल्यूशन रीजन, तो इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड कर देंगे इसको, राइट। अब ये पता करना है कि इसके सॉल्यूशन रीजन में ये जो अदर रीजन है ये हमारा फर्स्ट हाफ में होगा या फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में होगा। अब देखिए हम इसमें रख लेते हैं पहले 2,0, कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसके अलावा, इस लाइन के अलावा कोई कोऑर्डिनेट कहीं से भी ले लीजिए, फ्रॉम 2,0 पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, देन जो इनइक्वालिटी दी है 2x माइनस y ग्रेटर देन 0, इसमें पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, दिस इज 4 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। इसका मतलब हमारा 2,0 जो रीजन है वो 2,0 जो कोऑर्डिनेट है ये इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आएगा वो सेकंड हाफ में इसका रीजन होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो इधर वाला होगा, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर इनइक्वालिटी, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन दोनों इनइक्वालिटी का, तो सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी का क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और इधर हमारा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इन दोनों इनइक्वालिटी के लिए हमारा ये सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इधर, ठीक है। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हमारे थे 1,2, ठीक है। ये ओरिजिन ओ है हमारा, ये मान लीजिए पी है, तो ओपी हमारी जो लाइन होगी जैसे इतना लाइन फॉर द 2x माइनस वाई, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वी हैव गिवन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। पहले फर्स्ट के लिए लेते हैं, लेट 2x माइनस y इक्वल टू 1, यहाँ से आपको आपको मिलेगा y इक्वल टू 2x माइनस 1, इसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, पुट x इक्वल टू 0, देन वी गेट y इक्वल टू माइनस 1, और कोऑर्डिनेट विल बी 0,-1, ठीक है।
दूसरा फुट, जीरो कॉमा माइनस वन हो गए, दूसरा वैल्यू रखने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो, अब एक्स इक्वल टू वन रख दीजिए, फुट एक्स इक्वल टू वन, तो वाई इक्वल टू हमारा हो गया कितना, हाँ टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन इक्वल टू वन, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन। ठीक है, इसके बाद ये पता करने के लिए इसका सॉल्यूशन रीजन में ऑरिजिन आएगा कि नहीं आएगा ये पता करने के लिए देखेंगे, फ्रॉम द ऑरिजिन जीरो कॉमा जीरो पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो इन टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन वन, अब इसमें रखेंगे तो टू इंटू जीरो माइनस जीरो वन, इट इज नेवर ट्रू बिकॉज दिस इज जीरो जीरो इन जीरो, जीरो ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इट मीन्स जीरो इज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट हमारा जीरो कॉमा माइनस वन, जीरो कॉमा माइनस वन ये हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है, दिस इज द ए जीरो कॉमा माइनस वन, दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा वन कॉमा वन, वन कॉमा वन ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका, वन कॉमा वन डी पॉइंट हो गया, इसको मिलाती लाइन खींचते हैं, और जैसा बताया जा चुका है कि सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉल्स आ रहा है, सॉल्यूशन रीजन इसका क्लियर होगा इस साइड में, यानी सेकेंड हाफ में हो जाएगा इसका, इसी का सॉल्यूशन रीजन फॉर का, और इसमें हमारा क्या है तो पल्सा नहीं लगा है, इसलिए इसकी जो लाइन है वो कैसी होगी, डॉटेड होगी, राइट, क्योंकि लाइन इसके सॉल्यूशन रीजन में भी नहीं, लाइन भी इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगी, तो इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। दिस इज इक्वेशन फॉर द 2x माइनस y इक्वल टू 1, लाइन फॉर द इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल टू 1 के लिए, अब हम दूसरी वाई लेते हैं, दूसरा हमारा x माइनस 2y लेस देन 1, x माइनस टू वाई लेस देन माइनस वन हमारा हो जाएगा, यहां से दूसरे वाले के लिए लेंगे, लेट x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, ये हुआ टू वाई x इक्वल टू टू वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, अब इसे पुट कर देंगे, पुट वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस वन, कोऑर्डिनेट हुआ हमारा माइनस वन कोमा जीरो, और ये दूसरा हमारा हो जाएगा पुट पुट y इक्वल टू वन रखेंगे, y इक्वल टू वन, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टू इंटू वन माइनस वन इक्वल टू वन, कोऑर्डिनेट हमारा होगा वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा जीरो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये लाइन हो जाएगी इसकी माइनस वन कॉमा जीरो, और दूसरा हुआ हमारा वन कॉमा वन, वन कॉमा वन यहीं से होकर जाएगी इसका, मतलब इसका वन कॉमा वन होगा, इस तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ से, मान लीजिए सी पॉइंट है, यहाँ से ऊपर भी जाता है, जैसे ही था इक्वेशन फॉर द लाइन फॉर द इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन। अब इसके बाद देखिए
इसमें अब हमें पता करना है इसका जो ओरिजिन है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में है या नहीं है। तो रखेंगे पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो देन x माइनस टू वाई लेस देन माइनस वन। अब जीरो रखेंगे इसमें दोनों जगह, जीरो माइनस टू इंटू जीरो लेस देन माइनस वन। तो ये जीरो लेस देन माइनस वन नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है वो दिस इज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन इस लाइन का क्या होगा, इसमें भी आप देख रहे हैं परेशान नहीं, तो इसका भी जो लाइन होगी वो कैसे होगी, डॉटेड होगी। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। और सॉल्यूशन रीजन हमारा हो जाएगा ये, यानी ओरिजिन साइड में इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा दोनों इनइक्वालिटी का, 2x माइनस y ग्रेटर देन 1 और ये x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 6 in which we have given x plus y less than equal to 6 and x plus y greater than equal to 4. For first, let x plus y equal to 6. यहाँ से हम put x equal to 0, तो y equal to 0, equal to 6. x equal to 0, y equal to 6 हो जाएगा, हमारा coordinate होगा 0, 6. 0, 6. एंड पुट y इक्वल टू जीरो देन वी गेट x इक्वल टू 6, हमारा कोऑर्डिनेट विल बी 6, 0, राइट। कोऑर्डिनेट हो गया, अब 0, 0 रख देखते हैं कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0, 0 से आप देखेंगे पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो इन x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6। ऑब्वियसली 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6 होगा, दैट इज 0 लेस देन 6, इट इज ट्रू। इसका मतलब जो ओरिजिन है दिस इज द लाई इन द सॉल्यूशन रीजन। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0, 6 हमारा कहां है, 0, 6 दिस इज अ पॉइंट ए, दूसरा हमारा 6, 0 ये 6, 0 इसका पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए बी पॉइंट है, दिस इज द लाइन, ये हमारी लाइन भी इसमें इंक्लूड होगी क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी साइन दिया हुआ है, सॉल्यूशन रीजन में होगी। और जीरो यानी ओरिजिन से ही सेटिस्फाई हो रही है, ओरिजिन से सेटिस्फाई है तो इसका मतलब जो ओरिजिन है इसे लाइन का सॉल्यूशन रीजन, तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो किधर होगा, फर्स्ट हाफ प्लेन होगा, इधर इसका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा, राइट। सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसके बाद देखिए दूसरी वाली लेते हैं, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, पुट एक्स इक्वल टू 0 देन वी गेट वाई इक्वल टू 4, सो आवर कोऑर्डिनेट विल बी 0, 4। दूसरा पुट y equal to 0, then we get x equal to 4, so our coordinate is 0, 4, 0, ठीक है, same उसी तरीके से, हमारा from the 0, 0, put x equal to 0 and y equal to 0 in x plus y greater than equal to 4, अब यह देखेंगे, 0 plus 0 greater than equal to 4, implies that 0 greater than equal to 4, ये कैसे हुआ, false हुआ, false statement हुआ, इसका मतलब origin does not lie in the solution region of this। पहले इसका graph खींचते हैं, 0, 4, 0, 4 हमारा ये हो गया, मान लीजिए point आपका P है और ये 4, 0 ये point हो गया हमारा, ये Q है, this is 0, 4 and this is
4, 0. So this is the line for the equation. ये लाइन हमारी है x प्लस y इक्वल टू 4 और ये लाइन हमारी x प्लस y इक्वल टू 6 और इसका सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? इस साइड होगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस। फिर पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। कौन सी इक्वालिटी है? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 होगा एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।